देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कोरोना काल तो बाद एक वड्डी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, पंजाब दे विच बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दिती है। दैनिक सवेरा ते तुसी सब तो वड्डी अहम खबर वेख पा रहे हो। जी हाँ, दैनिक सवेरा तो सब तो वड्डी ते अहम खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहा है। हुण तक दी वड्डी खबर ये सामने आ रही है कि पंजाब दे विच बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दिती है। बीते कुछ दिन पहला जिथे जलंधर दी लैब दे विच डेराबस्सी ते मोहाली तो कुछ मुर्गियां ते पंछियां दे सैंपल भेजे गए सन, जिस तों बाद इत्थे जलंधर दे लैब तो पुष्टि हो चुकी सी कि इत्थे बर्ड फ्लू पाया जा चुका है। पर पुष्टि करन तो बाद उन्होंने एक गल कही सी कि ये जिहड़े सैंपल ने दोबारा जांच दे लई भोपाल विखे भेजे जाणगे। और अज भोपाल तो भी इस गल की पुष्टि हो चुकी है कि पंजाब दे विच बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दिती है। डेराबस्सी ते नाल दी नाल मोहाली दे कुछ इलाकियां दे सैंपल लए गए सन, कुछ मुर्गियां दे सैंपल लए गए सन ते कुछ कावां दे सैंपल लए गए सन, जिन्हां दी अज पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और पंजाब दे विच कोरोना काल तो बाद ये वड्डी खबर आ रही है सामने कि पंजाब दे विच हुण बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दिती है। और इस दे नाल ही अधिकारियों ने की कुछ किया है आओ भी जान लेने हैं। सर, जो हमें सैंपल प्राप्त हुए थे वहाँ से पिंजौर और मोहाली से, हमने वो 15 तारीख को यहाँ से डिस्पैच करके फाइनल कंफर्मेशन के लिए जो हमारी भोपाल में हाई सिक्योरिटी लैब है वहाँ से कंफर्मेशन के लिए भेजा था। उसके आज ही रिज़ल्ट मिले हैं। और जो एक क्रो का सैंपल वहाँ का था पिंजौर का, वो कन्फर्म हो गया कि उसमें H5N8 टाइप का वायरस है। और जो मोहाली का एक क्रो भेजा था उसने भी H5N8 टाइप का वायरस है। इसी तरह हमने वो उसी दिन दो पोल्ट्री फार्म थे यहाँ पर, लेयर का फार्म था वो अंडे देने वाली मुर्गियों का था, उसमें से एक अल्फा पोल्ट्री फार्म है बहेड़ा गांव डेराबस्सी के पास और दूसरा है रॉयल, इन दोनों के सैंपल भी आज जो है कन्फर्म कर दिए गए हैं हमारी जो सबसे बड़ी लैब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भोपाल में, और ये कन्फर्म हो गए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि अगर जहाँ क्रो और जैसे वाइल्ड माइग्रेटरी बर्ड पॉजिटिव आते हैं तो उनके बारे में पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ उस एरिया में सिर्फ सर्विलेंस ही किया जाएगा। लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन उन्होंने किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन जहाँ पर पोल्ट्री है पंजाब में, जैसे हमारे एक ही जगह पर दो पोल्ट्री फार्म में ये पाया गया कि वो कन्फर्म हो गए, तो वहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन है वो पूरा चलेगा। 1 किलोमीटर के एरिया में पूरी तरह हम उसकी पोल्ट्री को कलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब गवर्नमेंट की सहायता से। और जो 10 किलोमीटर का एरिया एपी सेंटर से आगे है वहाँ पर ओनली सर्विलेंस की जाएगी, और उसके बाद ही वहाँ तो जो 1 किलोमीटर में टोटल पोल्ट्री की मूवमेंट बंद कर दी जाएगी। जी, जो बाकी जाए पोल्ट्री फार्म से जो जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है सैंपल की, तो उनमें कौन सा वायरस पाया गया है? उनमें H5N8 का जो पुष्टि की गई है वहाँ से भोपाल की लैब से। और ऑलमोस्ट जहाँ जो पिंजौर में है, जो मोहाली में क्रो है और जो पोल्ट्री फार्म है, चारों में एक ही H5N8 वायरस की पुष्टि पाई गई है। ये इतना घातक नहीं है जितना H5N1 है। तो जो पोल्ट्री फार्म वो H1N1 है कि जो 8 है वो वाला सैंपल है? 8 तो इसमें जैसे पोल्ट्री फार्म पे अब सभी को इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, सभी के सैंपल मंगवाए जाएंगे पंजाब में से? नहीं, ऐसे हम सर्विलेंस कर रहे हैं, जहाँ पर कोई लगता है कि मॉर्टलिटी हो रही है हमारे पास सैंपल तो आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा बर्ड की मॉर्टलिटी हो रही है उसको हम पहल के आधार पर लगाते हैं और उसको भेजते हैं। वैसे लोग हमारे जितने भी डिपार्टमेंट के अधिकारी जन हैं वो अपने एरिया में से सभी जगह से सैंपल भेज रहे हैं। जैसे आपको जानकारी हो, कुछ दिन पहले पटियाला के पास रखड़ा में किसी ने ऐसे पंछी फेंक लिए थे, लेकिन हम उसके एरिया में जब सैंपल निकाले तो उसमें सभी वो नेगेटिव आए थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। ऐसे ही कल फिर कोई एक जगह थी सनौर था, वहाँ से जो सैंपल आए ऑलमोस्ट वो भी रही है, लेकिन पॉजिटिव जब कन्फर्म केस हमारा जो एक अभी जो डेराबस्सी का बहेड़ा गांव में है, यहाँ पर ये पोल्ट्री फार्म जहाँ अल्फा और रॉयल का नाम हम बता रहे हैं। इससे अलावा पंजाब में कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं, हमारे पास अभी तक करीब पंजाब स्टेट से 5,000 के करीब सैंपल आ गए हैं, उनमें से हमने
पूल करके उनको टेस्ट किया है। उसमें मतलब एक अकेला अकेला सैंपल नहीं करते, हम पूल करके करते हैं, चार चार पाँच पाँच का पूल बनाकर, जिससे समय कम लगता है और जो मटेरियल वो भी बचता है टेस्टिंग करने वाला को, जो बहुत कॉस्टली होता है। तो अभी तक तो ये दो जगह ही है जहाँ पर पॉजिटिव पाया गया। पोल्ट्री आती है बिकने के लिए बाजार में, उस पर रोक लगी है या अभी वो चल रही है? अभी ऐसा कोई नहीं है उसमें पोल्ट्री फार्म के कोई में कुछ नहीं लिखा हुआ अभी रोक। कोई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मना किया है कि ऐसे पैनिक कराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कोई दिक्कत है वहाँ उसको कंट्रोल कीजिएगा और बैन मत लगाइएगा। जो हमारे पंजाब में लगा था वो 15 तारीख को ख़त्म हो गया, वैसे इसके आगे मेरे को जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर क्या दोबारा बैन लग सकता है? नहीं नहीं उसमें नहीं, वो पर्टिकुलर उस एरिया में लगेगा जहाँ पर 1 किलोमीटर के एरिया में यहाँ वो पॉजिटिव है और किसी में नहीं। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-time गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।